नमस्कार दोस्तों, हमें गोलू सरोज। आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, जैसे पिग बच्चा कर देती है देखने मिलता है, और बच्चा करने के बाद दोस्तों उनका 3 से 4 दिन में दोस्तों जो उनका निप्पल होता है, किस कारण से दूध एक बैग सूख जाता है और दूध कम हो जाता है 3 से 4 दिन में दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाला हूँ किस कारण से सूखता है और क्या खिलाना चाहिए आपको दोस्तों। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को दोस्तों शुरू से अंत तक की जरूर देखिए, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल परिवारों से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। आपको मन कोई सवाल है, सुझाव है, नीचे कमेंट जरूर करें दोस्तों। वीडियो चलो देखने को मिलता है दोस्तों, एक बैग दोस्तों देखने मिलता है 3 दिन के बाद दोस्तों इनका जो दूध होता है सूखने लगता है और दूध के इनको कमी होने लगता है दोस्तों। तो कौन सा दोस्तों कैल्शियम खिलाना चाहिए दोस्तों? एक आता है एस्टोबेट के नाम से आता है, कैल्शियम वगैरह जो होता है एस्टोबेट होता है, उसको दोस्तों आप सब रोज जब फीड में उसको मिलाकर देना चाहिए। फीड दोस्तों जब इनको चारा खिलाने लगे हो तो उसके बाद उसको मिला कर दे सकते हो। उसमें आपको हम दोस्तों दिखाएंगे थोड़ा, एस्टोबेट के जो डब्बे होते हैं आप हम दिखाना चाहूँगा दोस्तों। अगर उसको खिलाओगे तो इनका जो होता है दूध भी काफ़ी बढ़िया बढ़ता है और सूखेगा नहीं दूध, जो देखने मिलता है जो निप्पल होता है सूख जाता है 3 से 4 दिन में। और दोस्तों हम दोस्तों अपने फार्म पर उसको एस्टोबेट जो होता है यूज कर रहे हैं, आपको दिखाना चाहूंगा। बच्चे भी काफी शानदार हैं दोस्तों, एस्टोबेट अगर आप सब यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा इतना काफी शानदार बच्चे होंगे और काफी मोटा तगड़ा रहेंगे। अभी दोस्तों ये बच्चे जो हैं आज 4 दिन के बच्चे हो गए, काफी बढ़िया दोस्तों हैं बच्चे जो देख रहे हो, काफी तंदुरुस्त बच्चे। और दोस्तों वही एस्टोबेट जो आता है दोस्तों वही खिलाया गया है, तो उससे दोस्तों आप अपने फीड में मिलाकर दे सकते हो, अपने जो बच्चे होते हैं उनको खिला दिए दोस्तों। जैसे 3 समय अगर चारा खिलाते हो तो 3 समय दे सकते हो, अगर जैसे 2 टाइम खिलाते हो फीड जैसे तो 2 समय दे सकते हो दोस्तों। आज की मेरी वीडियो करने के लिए दोस्तों थैंक्स दोस्तों, कोई वीडियो मिलती